आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है कि मॉडर्न ट्रेन्स आर बेस्ड ऑन मैग्लेव टेक्नोलॉजी। देखो, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम होता है मैग्लेव टेक्नोलॉजी, और देखते हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताएंगे। ठीक है, इन विच ट्रेन्स आर मैग्नेटिक लेविएटेड। लेविएशन का मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप बिना मैकेनिकल सपोर्ट के आप किसी पोजिशन पर होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन। फाइन, विच रन सीट EDS मैग्लेव सिस्टम। देयर आर कॉयल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द व्हील्स। तो व्हील जो होता है उसके दोनों साइड पर कॉयल्स होती हैं। एंड ड्यू टू मोशन ऑफ ट्रेन द करेंट इंड्यूसेस इन द कॉयल ऑफ ट्रैक विच लेविएट इन। तो देखो, होता क्या है कि जब ट्रेन मोशन करती है तो जो करेंट होता है वो कॉयल्स में आ जाता है। ठीक है, दिस इज इन अकॉर्डिंग विद द लेंज लॉ। तो जो भी डायरेक्शन होती है करेंट की वो हम लेंज लॉ से पता कर लेते हैं। इफ ट्रेन्स लोअर डाउन देन ड्यू टू लेंज लॉ अ रिपल्सिव फोर्स इंक्रीजेस ड्यू टू विच ट्रेन गेट्स अपलिफ्टेड एंड इट गोज मच हाई देन एंड इफ इट गोज मच हाई देन देयर इज अ नेट डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, होता क्या है कि लेंज लॉ की वजह से जब ट्रेन जो होता है लो होता है, यानी कि जब ट्रेन की स्पीड कम होती है, तो लेंज लॉ रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से वो अपलिफ्टेड हो जाती है, और जब वो बहुत ऊपर पहुंच जाती है तो जो ग्रेविटी होता है उसकी वजह से डाउनवर्ड हो जाती है। मीन्स एक बैलेंस बना करके रखा जाता है। ठीक है, आगे बताया है द एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक ट्रेन इज दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रेन एंड ट्रैक। तो सीधी सी बात है, जब आप लेविएट करके रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो कोई भी फ्रिक्शन वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एडवांटेज हो गया हमारा, जो कि यहाँ पर उसने बता कर रखा हुआ है। ठीक है, अब आपसे उसने आगे कहा है कि देयर बाई रिड्यूसिंग पावर कंजम्पशन एंड इनेबलिंग द ट्रेन टू अटेन वेरी हाई स्पीड। तो होगा क्या कि जब कोई फ्रिक्शन ही नहीं एक्ट कर रहा होगा तो उसकी वजह से पावर कंजम्पशन, मीन्स पावर कंजम्पशन कम होगा, तो आप हाई स्पीड यानी फुल एनर्जी का यूज कर सकते हैं। ठीक, और इसका डिसएडवांटेज बताया है, इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इट स्लोज डाउन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कम कर दिया तो ये जो होगा ट्रेन जो होगी वो स्लो हो जाएगी, और उसकी वजह से जब आप इसको लेविएट करके रखते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एंड जैसे ये फॉरवर्ड मूव करेगी तो लेंज लॉ की वजह से एक ड्रैग फोर्स जनरेट हो जाएगा। ओवरऑल कहने का सेंस ये है कि आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हाई रखनी पड़ेगी। अगर आपने उसकी वैल्यू कम कर दिया तो उसके बाद लेंज लॉ एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपने इस पैराग्राफ को आराम से पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिस्टम। तो एडवांटेज ऑफ सिस्टम में उसने यहाँ पर आपको पहले ही बता के रखा है कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस। ठीक है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन हो गया कि नो फ्रिक्शन हेंस नो पावर कंजम्पशन। तो ऑप्शन वन यहाँ से आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। तो भी उसने ऑलरेडी यहाँ पर बता करके रखा है कि डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर आप डाउन कर देंगे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन वन दिया ट्रेन एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स वो तब एक्ट करता है जब ट्रेन का मैग्नेटिक लेविटेशन कम होता है, मीन्स जब वो ट्रेन डाउन होने लगती है। तो ऐसा तो कोई सीन है नहीं कि ये डिसएडवांटेज नहीं, ये तो एडवांटेज हुआ ना कि ट्रेन ऊपर लिफ्ट करने लगेगी, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट अ ड्रैग ऑन द ट्रेन। हमने पहले बताया कि फ्रिक्शन फोर्स होता ही नहीं। तीसरा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब कुछ यहाँ उसने एक्सप्लेन नहीं किया। रिटार्डेशन एक अलग वर्ड होता है और ड्रैग एक अलग, मीन्स दोनों का सेंस एक ही सेंस में यूज करते हैं, बट रिटार्डेशन एक कंटिन्यूस बोल सकते हैं और ड्रैग जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो रोकना चाह रहा है। ठीक है, और पूरी बॉडी कांटेक्ट में है, ऐसा बोल सकते हैं ड्रैग का मतलब। ठीक है,
और ऑप्शन फोर में दिया है बायलेंस लॉ ट्रेन एक्सपीरियंसेस अ ड्रैग, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग हम पहले ही बता चुके हैं कि वो एक्सपीरियंस करेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा है विच फोर्स कॉज द ट्रेन टू एलिवेट अप, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसकी वजह से लेविटेशन होता है, इसलिए उसका नाम ही है मैग्नेटिक लेविटेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन थ्री विल बी द करेक्ट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल था, अगर आपने इस पूरे पैराग्राफ को आसानी अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन आप आसानी सॉल्व कर लेंगे। कई बार जी एडवांस में ऐसा होता है कि क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप पैराग्राफ पढ़ के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।